विश्वास तुम्हें ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। वाओ। उसमें से एक और बाइट और समझो तुम्हारी जिंदगी खत्म। सब एक साथ रहना। तुमको ये बच्चा मिला कहां से? इस अकेले ने ही एड को देखकर जवाब दिया था। क्या सच में? दबूरा, तुम क्या कर रहे हो? वो बहुत बड़ा था। अच्छा, अब चुप हो जाओ। तो फिन, पिछली बार जब तुमने कहा था कि हम करीब एक घंटे में वहां पहुंच जाएंगे, अभी और कितना चलना पड़ेगा? जब पहुंच जाएंगे तब पता चलेगा ना। बंदूक। शानदार बंदूक। इसको शूट करो। ये एक चेतावनी है। यही रुको। तबूरा, पास जाकर क्लोजअप लो। नहीं नहीं, मेरे पास रुको। जरा ध्यान से। यहां लैंकी कौन है? वो सोना निकालने वाला था। मुझे उसकी किस्मत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। जंगली लोगों ने ऐसा किया? इस आइलैंड से सोना लेके जाना मतलब देवताओं से खून चुराने जैसा है। मैं समझ सकता हूं, मैंने दो बार शादी की है। शॉर्ट। हाँ, ये आदमी अभी भी जिंदा है। ये क्या है? फिन, मिस्टर फिन। ये तुमसे क्या कह रहा है? बस मेरे साथ रहो, वो इस वक्त हमें देख रहे हैं। क्या? कहाँ? उन्हें बाहर आने के लिए कहो, मैं उनकी पैंट उतार दूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त। चलो चलो जल्दी करो। कोशिश कर रहा हूं, मुझे एक सेकंड दो। बहुत बढ़िया। अरे बाप रे, भागो! भगवान के लिए भागते रहो, भागते रहो! भागो! वाह!
रुको, मदद करो, मदद करो हमारी, मदद करो। पाक पाक, वो क्या बोल रहा है? मुझे स्टूडियो वापस ले चलो, चलो चलो। शूट करो, जल्दी करो। ये तो मजेदार है। आओ जल्दी, चलो जल्दी आओ, चलो। वाह 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 वाह, जल्दी करो। जल्दी आओ, जल्दी। फ्लिन, मिस्टर फ्लिन, 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 फ्लिन। फिन, जल्दी आओ। वाह 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 वाह। अब तुम खुश हो श्वार्ट्ज़? अब तुम अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हो गए, ठीक है ना? पहले से बेहतर है। चीयर्स करते हैं। तुम बहुत ईमानदार आदमी हो, ये तुम्हारे लिए। अच्छी सिगार है। ये हेडलाइन है और इसको पता भी नहीं। जैसा कि हमारे बीच तय हुआ था, तुम हमें बचा कर वापस लाए, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। इसने पैसे गिने भी नहीं है। इसे हम पर भरोसा है। मुझे इसकी यही आदत पसंद है। मुझे उस लड़के के लिए बहुत दुख है। बुरा हुआ, किस्मत खराब थी। ठीक है, हम उसे तुम्हारे लिए अमर बना देंगे। तुमने हॉलीवुड में जगह बना ली है बच्चे, तुम हमें फोन करते रहना, तुम जैसे बच्चे की जरूरत हमें हमेशा रहती है। मुझे नहीं लगता कि सब लोग आपसे सहमत हैं। क्या सच में? तुम्हें क्या लगता है, मैंने तुम्हारी आंखों में वो चमक नहीं देखी? एक आदमी के जंगली हंस का पीछा करने के लिए थोड़ी सी चमक जैसा कुछ नहीं है। बच्चे तुमको देखूंगा। क्या फाइट की तुमने? मेरे पास बेहतर जवाब है। खैर, मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें इन गलियों में घूमते हुए फिर से देखूंगा। तुमने अच्छी फाइट की। बस इतना ही? बस इतना ही है रेक्सी।
मेरे पास कुछ है जो तुम्हारे काम का हो सकता है, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तुम जानते हो मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया है, मैं जानता हूँ उसमें कुछ घोटाला है। इस बार नहीं रैक्स, ये एक समुद्र का सायरन है। अपनी बकवास अपने पास रखो, तुम क्या हो, समुद्री डाकू? चुप हो जाओ। हाँ, मेरी मेज पर खेलना चाहते हो तो तुम्हारे कुछ रुपए खर्च होंगे या फिर तुमको जिंदगी खर्च करनी पड़ेगी इससे पहले कि मैं तुम पर बिग जैम लगा दूं। बस ताश का सौदा करो फ्रेंकी। मुझे इस नाम से सिर्फ मेरी मां पुकारती है। इस नाम से बुलाने वाला आखिरी आदमी अपनी जीभ नहीं बचा पाया था, उसका पिछवाड़ा लाल हो गया था। और मुझे पता है कि लोग अच्छी जबान बहुत पसंद करते हैं जब वो उनकी अपनी ना हो। मैं तुम्हारा पैसा ले लूंगा, कार्ड्स को डील करो, शुरू हो जाओ। अच्छा सुनो, मैं अभी अभी न्यू गिनी से वापस आया। दरअसल मैं कुछ लोगों को फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए सेपिक नदी तक लेकर गया था। तुम तो सेपिक कभी नहीं गए। हाँ, लेकिन अभी होकर आया और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि वो जगह सोने से भरी हुई है। कार्ड्स ठंडे हो रहे हैं यैंक। मैं कैनेडियन हूं। यहाँ पे किसको परवाह है, तुम्हें खेलना है तो शुरू हो जाओ। वो खेलेंगे। मुझे एक दो। देख रहे हो, यहां हर कोई फावड़ा लेकर एक टुकड़े के लिए तड़प रहा है, आदमी औरत दोनों। पैसा और औरत, एरोल पिलन की तरह तो बात नहीं कर रहे। सब दांव पे। कोई बात नहीं, पत्ते का बादशाह है ये। तुम हार गए रेक्स, अब चुपचाप पैसे निकालो। बस मुझे आज का दिन दे दो, मैं तुम्हें कल पैसे दे दूँ। इसको लगता है कि मैं बेवकूफ हूं। आराम से, हर मास आसानी से कट जाता है। कितने पैसे देने हैं? 30,000। 30,000? ये तो बहुत सारे हैं। आधा ही है। आधे रख लो अभी। तुम्हें पता है आदमी किस बात से सबसे ज्यादा डरता है रेक्स? अपनी इज्जत से। एक आदमी को मारने के लिए तुमको जो मिलती है, लेकिन एक आदमी के बदनामी उतनी ही मजबूत होती है जितनी वो इसके बनाए रखने के लिए करता है। तुमको क्या लगता है कि उस इज्जत का क्या होगा अगर मैं तुमको इसी वक्त काट दूं? लोग सोचते हैं कि मैं तुम पर नरम हो गया हूं, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। रुको रुको रुको, हम बात कर सकते हैं। हाँ, अच्छे से बात करेंगे ना, बस तुम्हारी मुस्कान बढ़ा देता हूँ। फ्रैंक, पैसे कहाँ हैं? क्या बात है, आज तो मजा आ गया। तो न्यू गिनी जाना है, हम वहां कैसे जाएंगे? ये सब मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास प्लान है। हेलो, तो आज क्या है हमारे लिए? आप लोगों के लिए चाय। ठीक से बर्ताव करना।
कैसी लगी चाय? ओह हाँ, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तुम लोग जाओ। आप दोनों को यहाँ कभी नहीं देखा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अच्छा, आपका नाम? अखुन। अखुन, बहुत प्यारा नाम है आपका। हम लोगों को एक बोट खरीदना है जो आप बेचना चाहती हैं। आपने गलत सुना है मिस्टर फ्लिन। रेक्स, हमें कोई तामझाम नहीं चाहिए। पुराना वाला सामने से बांधा हुआ है शायद। मैं आपको 100 दे सकता हूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं उस बिजनेस की परवाह नहीं करती जिसमें फॉर्मेलिटी हो मिस्टर फ्लिन। एक आदमी की ऑनेस्टी तब सामने आती है जब उसे झूठ बोलने की जरूरत ही ना पड़े। कौन हो तुम? मुझे पता नहीं। अच्छा, क्या तुम मिराज हो? मेरे सपनों को पूरा करने के लिए बनाई गई एक पेंटिंग। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मर्दों के साथ क्या करती हूँ? मैं उनको तब तक अपने पास रखती हूँ जब तक कि वो अपना मकसद नहीं भूल जाते, और मुझे इसमें बहुत खुशी मिलती है। अच्छा, मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ, पर अगर कोई तुम्हारे लिए दर्द सहता है तो वही तुम्हारे लिए बना है। ओ, मैं कहाँ हूं? यह है मेरी शानदार बोट, और यह सिरिको है, और मैं हूं तुम्हारा कैप्टन। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी रात भेड़ को चूस रहा हूं। वैसे उसके पास बहुत सी चीजें थी पर कोई भेड़ नहीं थी। चलो, हमें बहुत काम करना है। क्या हुआ? तुम्हारी भूलने की बीमारी गई नहीं। अकुन ने हमें बोट बेचने से मना कर दिया था, लेकिन तुम जो थे मेरे काम आ गए। किस लिए? अरे, मुझे चुराने का मौका देने के लिए। तुमने चाइनीज डाकुओं को लूट लिया? हाँ, हमने चाइनीज डाकुओं को लूट लिया। और तुमने मुझे फंदा डालने के लिए इस्तेमाल किया? वो हमारे टुकड़े करके मछलियों को खिला देंगे। चिंता मत करो, मौत से बड़ी वजह नहीं मिल सकती अपना मकसद पूरा करने के लिए। जबकि मैंने अपने सारे पैसे वहाँ जुए के लिए दे दिए थे, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। था क्या? ओह, मैं आ गया। मुझे बोट पर आने की परमिशन दे कैप्टन फ्लिन। तुमने कर दिया? हाँ, कर दिया। इजाजत है। और कैसे हो एडम? तुम कैसे हो फ्लिन? मैं सारे नक्शे लेकर आया हूँ। मैं सेक्सटेन और कंपस भी लेकर आया हूँ। मैं लेकर आया क्या तुम प्लेन की लॉन्ड्री ला रहे हो? तुम्हें पता है कि धूप अभी भी तेज है रेक्स। इन लकीरों को देखो, ये ऐसे नहीं बनाते हैं। तुमने सच में इस पागल को बुलाया है? पागल? हाँ, तो और क्या बुलाऊं, वेलिंगटन के गर्वित डाकू? फ्लिन ने मुझे बुलाया है समुद्री सफर की मदद के लिए। इससे बेहतर कोई मदद नहीं कर पाएगा, और ये लड़का बहुत समझदार है। समझदारी की ऐसी की तैसी। जाओ बता दो कि तुम कौन हो। तुमने बंदूक चलाना कहाँ से सीखा? स्कूल में और कहाँ। और तुम तो टीचर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे थे। तुम भी उससे कुछ सीख जाओगे तो बकवास बंद करके शूट करें। करे ना। हाँ। उसको हवा में उछालो। लकी शॉट। अच्छा, वो अभी भी काम करता है? हाँ, जब तक किसी को पता चले कि फ्रेंच लोगों को अपने सिक्के में छेद करने की आदत थी। तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। अब तुम भी। क्या ना, तुम्हारा नाम तुम पे बहुत फिट होता है।
हे भगवान, ये बेकार चाय, ये बेकार चाइनीज चाय। तुम दोनों को एक बात बताऊं, आज का ये दिन तुम लोग याद रखना, क्योंकि ये दिन कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आज हम जहां हैं वहां कभी नहीं आ सकते। मुझे बॉटल देना जरा। रैक्स, इस पल को एंजॉय करो। चीयर्स। चीयर्स। तुम्हें पता तुम क्या देख रहे हो राजकुमारी? ऑफ कोर्स, थ्योरी देख रहा हूँ। थ्योरी? आज तक जो भी समुद्री यात्रा में छपा है वो सब पढ़ रहा हूँ। आज तक तुम कितनी समुद्री यात्रा पर गए हो? मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, मेरी पहली यात्रा है। ओह गॉड, लगता है मरने वाले। हे रेक्स, बचो! वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। अभी क्या? गुड मॉर्निंग लेडीज, तुम सबको गुड मॉर्निंग। फिन, मैं ये सब करने तो नहीं आया था, तुमने कहा था कि मजा आएगा। क्या शुरुआत की है फिन? तुम लोग अपना मुंह बंद रखो। अब ये बताओ कि मेरी बोट पर क्या कर रहे हो? ये हमारी बोट है। बकवास मत करो, ये मेरी है। ये बोट मुझसे डाकुओं ने चुरा ली थी। हमने ये बोट पैसे देकर खरीदी है। अकुन से एक आदमी सिर्फ एक ही चीज ले सकता है, वो है कटा हुआ गला। अब बताओ ये बोट कैसे हासिल की, वरना तुम तीनों को काट डालूंगा। क्या हम आराम से बात कर सकते हैं? मेरा नाम है ट्रेवलिन एडमस और ये है अरोल, वो रेक्स। मेरा नाम चार्ली है महाराज, और मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। अब बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है। तुम जल्दी से सच बता दो। हमने इस बोट को चुराया है। हम न्यू करने जा रहे हैं, वहां पर बहुत सारा सोना है। आई एम सॉरी। तुम जमीन पर रहने वालों को कोरल सी के बारे में पता ही क्या है? वो तुम्हें पूरा निगल जाएगी और चूस कर उगल देगी। अगर तुमने किसी तरह रास्ता निकाल भी लिया रेजर रीफ से निकल जाने का, तो तुम्हें आगे साइक्लोन से गुजरना पड़ेगा। वो इतने तेज होते हैं कि तुम्हारी खाल तक उधेड़ देंगे। एक ही तरीका है सिरोको को ले जाने का, और वो सिर्फ मैं हूं, समझे? ये मेरी टच को अच्छी तरह पहचानती है। ठीक है, फिर हमारे साथ चलो। तुम पागल हो क्या? हम तुम्हें बराबर हिस्सा दे सकते हैं। तुम पूरे पागल हो। तुम्हें क्या लगता है मैं सोने के बारे में कुछ बता सकता हूं? दोस्तों, मैं सिर्फ अपनी बोट के लिए आया हूं। ठीक है, फिर वो सिर्फ तुम्हारी है, तुम बस हमें न्यू गिनी पहुंचा दो। फिन, मैं तुम चोरों के साथ समुद्री सफर क्यों करूं, जबकि मैं तुम्हें मार सकता हूं। ये बोट तुम्हें नहीं मिलती अगर हम इसे नहीं चुराते, और मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत खास है, और भगवान जानता है कि हम तुम्हारे हुनर को इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसलिए हमारे साथ चलो और तुमको यह जिंदगी छोड़ने का मौका मिलेगा और क्या पता तुम इस दौरान अमीर बन जाओ। बस तुम्हें एक बार सफर करना है, तो क्या कहते हो चार्ली? तुमने इसकी मरम्मत अच्छे से की। थैंक यू। हमें कब निकलना है? तुम हमें मारोगे तो नहीं? तुम चाहते हो मैं अपना मन बदल लूं? नहीं 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 नहीं, पर एक शर्त है। इस सफर का कैप्टन मैं हूं। जब तक तुम डूब नहीं जाते। चलो दोस्तों, सोना ढूंढते हैं। पागल, क्या तुम लोग मुझे खोल सकते हो? ऑर्डर करो कैप्टन, फुल स्पीड में आगे बढ़ो। ठीक है, फुल स्पीड। उसमें से विस्की की बदबू आ रही है। वो इसमें फिट होता है। वो सोते वक्त हम लोगों के गले काट सकता है। वो वैसे नहीं करेंगे। क्या तुम ऐसे करोगे? बिल्कुल नहीं कैप्टन, बल्कि एक आदमी के गला काटने का सही वक्त तब होता है जब वो जाग रहा होता है। तेज धड़कन होती है तो खून जल्दी निकलता है। चलो चलो सफर पे चले, मजेदार है ये सफर। अभी तुमको और मजा आएगा जब देखोगे वहां के नजारे। तुमको आएगा और मजा। तो सब तैयार? ठीक है, आ जाओ एक साथ। दो, एक। तुम अब तक सोए नहीं? मुझे जल्दी नींद नहीं आती है। ये लो। चीयर्स। चीयर्स।
हमें ना मारने की असली वजह क्या है? मैं कोई खूनी नहीं हूं, मैं एक सेलर हूं, और तुम लोगों की नजर में जल्दी ही तुम मर जाओगे और मुझे अपनी बोट वापस मिल जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम जैसा आदमी इस नाव को कैसे खो सकता है? इतने सारे झमेलों के बीच में कोई कैसे कब तक सो सकता है? मैं बस चार्ली से पूछ रहा था कि वो सिरिको तक कैसे पहुंचा। एक फ्रेंच मछुआरे की थी। हम इस बोट को घायलों को ले जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। युद्ध के बाद मैंने यह बोट उसे बेचने के लिए कहा। उसने ये बोट मुझे दे दी, लेकिन उसने मुझसे वादा लिया कि मैं उसकी बेटी को एक बेहतर जिंदगी दूंगा। हमने पूरी दुनिया साथ घूमी, वो और मैं। हम कहीं नहीं जा सकते थे। हमें प्यार हो गया। हमने यहीं पर अपने बच्चों को पाला, लेकिन वो समंदर से परेशान हो गई। वो कहती थी मैं उसके साथ कम वक्त बिताता हूं। वो सही थी, वो सेटल होना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं। मुझे इस समंदर की आदत है। तो मैंने उसे जाने दिया। मैं साउथ चाइना सी में था जब अकुन ने मुझे ढूंढा, मुझे पानी में फेंक दिया ताकि मछलियां मुझे खा जाएं, लेकिन मैं कहीं भी अपना घर बना लेता हूं। मैंने ओल्ड सिडनी टाउन तक उस चीनी कुतिया का पीछा किया, वहीं पर मुझे तुम लोग मिले। क्या सच है तुम युद्ध से बच गए? मैं लकी था। ये बहुत अच्छी नाव है चार्ली, बिल्कुल तुम्हारी तरह। नरक से गुजरी और स्वर्ग की ओर चली। अब जीना नहीं चाहता दोस्त, बस तैरते रहने की कोशिश कर रहा हूं। काल, अब क्या? ये सीरियस है फिल्म। भूख से मरने से ज्यादा बुरा रास्ता कोई नहीं। कोई भूख से नहीं मरने वाला है, ये सब मुझ पे छोड़ दो। मैं बावर्ची को थैंक यू बोलना चाहता हूं। मुझे लगता है हमारे साथ सब कुछ ठीक होगा।
बहुत ही खूबसूरत जगह है। परफेक्ट जगह है मरने के लिए। चार्ली अभी तुम्हें बहुत साल जीना है, हो सकता है मैं तुम्हारे नक्शे कदमों पर चलूं। क्या तुम्हारी फैमिली नहीं है तुम्हें नीचा दिखाने के लिए? तुम पर कोई बोझ नहीं है बस इस समंदर की लहरों को छोड़कर, तुम आजाद हो। फ्री, तुम्हें अपनी सोच को और ऊपर ले जाने की जरूरत है। तुम अच्छे लड़के हो, मेरी तरह अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, अपनी राह खुद चुनो और अच्छा कैसे कर सकते हो इस बारे में सोचो। तुम उनकी जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। मुझे लगता है हमारे साथ सब ठीक होगा। तुम्हें मुझ पर यकीन है? उससे बच के हाँ, ये एक जहरीला गैस्ट्रोपॉड है। क्या? जहर तुम्हारी बॉडी पर असर कर सकता है। ठीक है, प्रोफेसर का बेटा हूं मैं। तुम यहां रिटायर्ड हो सकते हो चार्ली। भाड़ में जाओ दोस्त। कोई आया है? हाय लड़कियों। लवली, कितना अच्छा है। तुम्हें पता है हमारा गुड लक है। तुम लोग भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं। हम आज रात को शिशुमार खाने वाले हैं। तुम क्या कर रहे हो? मछली पकड़। बैड लक होता है डॉल्फिन के लिए। झगड़ा मत करो, अभी तुम उसे नीचे रख दो। समझ में अभी भूख लग रही है। तुम हम सबको डुबा दोगे। सर तुम ही नहीं। रेक्स, लड़ो मत। रेक्स नहीं। अगर तुमने उसको मारा तो अगली गोली तुमको लगेगी। एक मछली के लिए मुझ पर गोली चलाओगे? हाँ मैं चलाऊंगा। क्या तुमको ये बात नहीं पता कि ये मछली गुड लक लेकर आती है? बंदूक होने के बाद भी औरत की तरह बात कर। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तो फिर तो तुम क्या कर लोगे पागल आदमी? तुम्हें इन दोनों को रोकना चाहिए। जैक रेजिनल्ड गफ द थर्ड। तुम बेवकूफ हो। जैक रेजिनल्ड गफ द थर्ड, ये रेक्स का असली नाम है। सच में तुम्हारा नाम जैक रेजिनाल्ड गफ है? तुम सच में सीरियस? सच बोल रहे हो? फ्रेंच में इसको गो कहते हैं। तुम पागल हो फिन, और वो ही इसी नाव पर रहेंगे। तुम लोगों ने सुना, नाव पर सिर्फ। हम सब नाव पर ही रहेंगे, बल्कि मैं बीमार महसूस भी नहीं कर रहा हूं। देखो मैं डॉल्फिन को शूट नहीं करने वाला था, तुम इसको नीचे क्यों नहीं रख देते? अरे तुमने इंजन पर गोली चला दी। चलो इसको पकड़ो। ये कहां से आ रहा है? इसका एक पेच नहीं मिल रहा। ये बहुत मुश्किल है, इतना बड़ा छेद हो गया। मुझे देखने दो। चल गया। चाली पंप कहां है? के पास। हमें इसके हाथ का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत चल रहा है। पानी डालना पड़ेगा। हिलना मत। इसको इसमें डालो। इसमें डालो। चाली मुझे दूसरा पंप मिल गया। ठीक है, यहाँ नीचे मत आना। भगवान, सोचो चाली, सोचो। सुनो, जल्दी मुझे कुछ भारी ला कर दो। जल्दी करो। ठीक है, यहां रख दो।
फिर मैं करता हूँ। लगता है अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। इतनी आसानी से नहीं होगा। रुको, उसे मत फेंको। अरे उसमें कुछ सामान है। भगवान, ए रैग, वो डॉल्फिन नहीं है, वो तो शार्क है। फिन, 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 फिन को गोली लग जाएगी। फिन, 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 बाहर आओ। फिन, फिन, बाहर आओ। हे भगवान, तुम लोग कुछ कह रहे थे? भगवान का शुक्र है, तो सच में बहुत कमीना है। क्या तुमने तो हमें डरा ही दिया था। चलो पंप को देखते हैं। मजा आया ना? हाँ ठीक है, वो तुम ठीक हो? तुम सही थे चार्ली, टापू पर इनकी जिंदगी मेरे हाथ में है। तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो। इंजन खराब हो गया, नाव में छेद आ गया रिक्स की वजह से। ये सब तो होता ही रहता है यहाँ, हमेशा एक नया दिन होता है। हाँ आए, वेलकम टू टाउन्सविल। अभी थोड़ा सा बदबूदार है पर आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। आजकल बिजनेस बहुत ठंडा है, क्या कर सकते हैं। आप कौन हैं? ओ, मैं क्रिश्चियन ट्रेवर्स, हार्बर मास्टर, और पिछले चुनाव में मैं मेयर था। मैं यहाँ पर लोकल पादरी भी हूँ, अगर आप कुछ कन्फेस करना चाहते हैं तो। ये तो बढ़िया है। ओ बिल्कुल सही समझे। ओ ये मेरा बेटा है रूडोल्फ, ये यहाँ का इकलौता वारिस है। क्या तुम बॉक्सर हो? लगता है तुम्हें लड़ाई झगड़ा पसंद है। मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, शराब कहाँ है। इस चीज की यहाँ कभी कमी नहीं होती है। अगर आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बोल सकते हैं। और मैं यहाँ मेन स्ट्रीट पर नॉर्दर्न रनर में रहता हूँ। मैं बस यहाँ हर रोज आता हूँ, हर रोज आता हूँ, हर रोज नजर आऊंगा, सिवाय संडे के। उस दिन मैं चर्च में होता हूँ, और वो भी मेन स्ट्रीट पर ही है। हम शायद इतनी देर नहीं रुकेंगे, हमें बस ये इंजन इंजन का काम है। नाव में छेद हो गया है, उसे ठीक करा के निकल जाएंगे। ओ यहाँ पर एक बेहतरीन इंजन मैकेनिक है, वो बहुत ही अच्छा मैकेनिक है, और वो यहाँ साउथ स्ट्रीट पर रहता है। वो आपकी नाव को ठीक कर देगा। ठीक है, आप लोग आसपास घूम लीजिए। आजकल शहर में वैसे बहुत भीड़ भाड़ है, लोग बाहर से बहुत आए हुए हैं। हम लोग भी यहाँ मॉडर्न सिटी से हैं, तो आपको बाजार में आपकी जरूरत का सारा सामान आसानी से मिल जाएगा। हम इस बात का ध्यान रखेंगे। ओ बहुत बढ़िया बात है। तो ठीक है, आप सबसे मैं अब संडे को मिलता हूं। गॉड ब्लेस यू। अगर मन बदले तो मुझे बताना। ये जाम सिरोको के नाम, वो जल्द ठीक हो जाए और हम सफर पर निकलें। तो
शुक्र है सच में तुम हमारे कैप्टन नहीं हो। की बियर काफी अच्छी होती है पता है ना। ए दोस्त कैसे हो? बढ़िया। एक पिंट दीजिए सर। कितने साल के हो? आपको इससे क्या मतलब है कि मैं कितने साल का हूँ? ठीक है वो हमारे साथ ठीक है ना। क्या बात कर रहे हो? थैंक्स मेरे दोस्त। कब और कहाँ? मेरा नाम जॉनसन है। मैं रॉल फ्लिन। ये ड्यूक चार्ली और ब्रेक्स है। लगता है किसी सर्कस में से आए हो। आप लोग यहाँ टाउन्सविले में क्या कर रहे हो? हम छुट्टी मना रहे हैं। इंजन खराब हो गया है ठीक करना है। हमें न्यू गिनी जाना है। अब ये मत कहना कि तुम वहाँ सोने के पीछे जा रहे हो। उसकी सिर्फ खुशबू ही आदमी को डुबा देती है। हमारे मेयर की ही बात ले लो, वो हर हद तक जाएगा एक रुपया कमाने के लिए। मेरा बाप उसका कर्जा चुकाते चुकाते मर गया, पर उसके जल्द ही दिन भरने वाले हैं देख लेना। वैसे भी देखा जाए तो एक मुंशी के लिए इससे अधिक आकर्षक कोई विषय नहीं है। तुम राइटर हो क्या? जर्नल टाउन्सविले बुलेटिन। सच में तुम कौन सा सेक्शन संभालते हो? हेलो लगता है कहीं आग लगी हुई है। एक्सक्यूज मी सर, इसे जो चाहिए दे दीजिए। यहाँ से हट जाओ। देखा जाए तो इसकी हाथ में कोई अंगूठी तो नहीं है, मतलब आप मुझे ऐसे रोक तो नहीं सकते ना। मैं इस लेडी को अपने भाई के लिए देख रहा हूं। हे भगवान, हेलो। तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, मैं संभाल लूंगा। मैंने बताया था ये अच्छा आइडिया नहीं है। ये ठीक नहीं है। वन मिनट पाइंट। हमें खड़े होकर देख नहीं सकते, हमें कुछ करना चाहिए। कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है तुम लोगों को अंधा कैप्टन पसंद है, क्योंकि वो हमारे कैप्टन की आंखें निकालने वाला है। हे भगवान, अपने आप को संभालो कैप्टन। उसके मुंह पर बहुत जोर की लगी है। वो ठीक है। क्या मारा है? क्या बात है? चलो उठो बच्चे, अपना दम दिखाओ। क्या बात है? मारो उसे, छोड़ो मत। कोशिश कर रहा है। मारो मारो उसे। क्या कर रहा है? टकले मार रहा है। दम नहीं है क्या? बॉस मैं शर्त लगा सकता हूं तुम्हें ये सब पता नहीं था। ये तो सच में कमाल है। वो मेयर का सबसे अच्छा फाइटर था, पता है तुम्हें? क्या मस्त पंच मारा था उसे। रुको रुको, प्राइज फाइटर? वो एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाते हैं हर फ्राइडे को, बहुत पैसा कमाते हैं। क्या इलीगल है? हाँ, लेकिन वो लीडर है यहाँ का। नहीं, पर वो मेयर है और पादरी भी। फ्राइडे को क्लब चलाता है और संडे को खुद से ही माफी मांग लेता है, और मंडे कुछ और। ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। लेडीज, पर एक खुशखबरी तो है। ओ, ये तुम्हें कहाँ मिला? इधर लाओ। मैं वो रेजर को सारे पैसे देने वाला नहीं हूँ। तुम पहले सोच लो कि तुम्हें चाहिए क्या। हमें ये पैसे बोट ठीक करने के लिए चाहिए होंगे। इनको अपनी जेब में रख लो, ये पैसे तुम्हारे बहुत काम आएंगे। ठीक है चार्ली, तुम नहीं आओगे? आज रात बॉडी को गर्माहट सिर्फ एक बोतल से ही मिलेगी। जाओ मजा करो। अपना ध्यान रखना।
चलो अंदर। क्या बात है? हेलो हेलो हेलो, ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में हूँ। एरोल रोज बदमाश कहीं के? वाह क्या बात। ओ तुम कमाल हो। क्या मैं भी आ सकता हूं? रेक्स, अभी भी इस नालायक के साथ घूम रहे हो तुम? वो मुझे अच्छा महसूस कराता है। कितने नाजुक हो, अभी भी स्कूप के लिए मछली पकड़ रहे हो। तुम्हें एक मिला, हो सकता है किसी का खून हो जाए जो तुमने माउंटेन के साथ किया है उसके बाद, क्योंकि टाउन्सविले की बातें उसके पैरों से ज्यादा तेज चलती हैं। तुम यहाँ पर अपने किसी मतलब के लिए आए हो, सच है ना ये बात? हाँ मतलब तो है। चलो तुम्हें साफ करती हूँ, जाकर बाकी लोगों का ख्याल रखना। ये किस तरह का बाथ हाउस है? अच्छा वाला। पूरे पैकेज के कितने पैसे होंगे? चलो पता लगाते हैं। वहाँ एक और है। ये देखो वहाँ और एक है। गुड इवनिंग डार्लिंग, हम लोग कल देखेंगे ज्यादा रोशनी में। हम लोग आदमियों को नहीं ढूंढ रहे, चूहों को ढूंढ रहे हैं। मैं चूहों को जानता हूँ जो दरारों में छुपते हैं, चोरी करके खाते हैं। हमें एक चूहे की तरह सोचना पड़ेगा उनको ढूंढने के लिए। उन्हें ढूंढो। मैं ढूंढता हूँ। मुझे उनकी महक आ रही है। चाहे जो हो, उन्हें ढूंढकर मेरे सामने लाओ तुम सब। ठीक ठीक। तुम अपना गुजारा कैसे करते हो? तुम मुझे जानती हो रोज, मुझ पर जीवन जीने की प्रतिमा है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मैं ना सॉल्व कर पाऊं। वैसे तुम शाबाशी के लायक हो। मुझे जाना होगा। हाँ वो सब कहते हैं कि मैं तुम्हारा गला काट दूं। पुलिस मेरा पीछा कर रही है, मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने मुझे ढूंढ लिया था, वो मुझे तुम्हारे साथ जेल में बंद कर देते, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था इसलिए जाने दिया। उसके बाद मैंने एक नाव ली ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। मैंने तुम्हारा पीछा हर जगह किया, मैं तुम्हारे इतने करीब थी कि तुम्हारे लिए न्यू गिनी तक पहुंच जाती। मुझे पता था तुम वहां जरूर आओगे। मुझे नहीं पता। तुम हमेशा से कमीने रहे हो, तुमने हमेशा मुझे सपने दिखाए हैं लेकिन पूरा कभी नहीं किया। मैंने बेवकूफी में हर बात मानी। मैं अभी भी तुम्हारे सपने पूरे कर सकता हूँ, सिर्फ तुम और मैं। अरोल, हाँ नहीं कर सकती। पता है मैं यहाँ बिना शिलिंग के आई हूँ। मुझे लगा ट्रैवर्स का इस्तेमाल करके मैं खजाने तक पहुंच जाऊंगी। ज्यादा दूर नहीं पहुंची थी कि इन्होंने मुझे पकड़ लिया। इन्होंने मुझे दो चॉइस दी, या तो उनके लिए काम करो या उससे भी बुरा। मुझे कुछ बुरा चुनना चाहिए था। मैं तुम्हें कभी भी पीछे नहीं छोड़ता। मुझे तुम्हारी मदद करने दो रोज। पिछली बार भरोसा करके यहां तक पहुंच गई थी। इतना भी बुरा नहीं है जहां तक मेरी बात है। फ्लिन, हमें यहां से निकलना पड़ेगा। पर क्यों? अगुना यहां है। ओह
इधर इधर इधर। मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत टाइट है। तुम्हारे पास कोई तेल है? हाँ, एक बूंद। एक बूंद तेल? एक बूंद तेल में काम हो जाएगा। मैं कर देती हूँ। मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। क्या क्या बातें, कहीं जा रहे हैं आज? लेकिन आज नहीं, जिस तरह का शो आपने आज दिखाया है, ये बड़े दुख की बात होगी कि अगर आप इतनी जल्दी यहां से चले जाएं, क्योंकि मैं कुछ और चाहता हूं। किड लुजेटी, इससे ही तुम्हें हराना पड़ेगा। क्या ये वही है? नहीं, ये नहीं, ये वाला। मुझे लगा था कोई असली आदमी मिलेगा फाइट के लिए। आराम से, आराम से। तुम लोग कैसे हो स्वीट हार्ट? कुछ कहना है तुम्हें? शांत रहो। चलो तुमसे बात करता हूं। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। तुम डब्बे में घर वापस जाने वाले हो। गुड नाइट। ये क्या बकवास है? ये आज का टॉप चैलेंजर और हमारे पास फिलहाल एक आदमी की कमी है कल की फाइट के लिए। मैंने बहुत सारे अमीर लोगों को बुलाया है, तो मैं सोच रहा था कि तुम फाइट कर लो, तुम इससे लड़ो और सिर्फ दो राउंड तक टिक जाओ। सिर्फ दो राउंड चाहिए मुझे, दो राउंड बस। तीसरे राउंड में तुम नीचे गिर जाना, हम संभाल लेंगे। कोई भी हमें नहीं बता सकता कि हमें क्या करना, कोई नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को यहां से नाव चाहिए, इंजन के साथ। या फिर हम इन्हें मार देते हैं डैड। तुम चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ जरा। तो तुम क्या सोच रहे हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना। नहीं, मैं फाइट करूंगा। हाँ तो, लेकिन हमारे पास क्या गारंटी है? देखो, तुम मुझसे चालाकी करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम अच्छा शो देने में कामयाब नहीं हुए और अगर तुम सही वक्त पर नहीं गिरे, तो तुम और तुम्हारा दोस्त लोकल मछुआरे के लिए चारा बन जाओगे। अब तुम समझ गए ना? उम्मीद है तुम समझ गए होगे। अच्छी बात है, तो तुमसे कल मिलता हूं, ठीक है? गुड इवनिंग बॉयज। अब क्या ये बात तो साफ है कि ये लोग हमें धोखा देना चाहते हैं। ये सब मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास प्लान है। मुझे पता था ये यही बोलने वाला है। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाना चाहता हूँ। एरोल, मुझे ये बात सच नहीं लगती। टेवर्स ने तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को जाल में फंसा लिया है और तुम्हें मेरी मदद चाहिए। तुम उसको हमसे बेहतर जानती हो, उसके पास हमारी नाव है। मुझे इन सब से क्या मिलेगा? हमारे साथ चलो, हमारे साथ न्यू गिनी चलो, हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। तुम बासी रोटी को ताजी में नहीं बदल सकते। तुम यहां रुकी तो तुम्हारे साथ क्या होगा, यह बहुत साफ है रोज। तुम लोग अपनी फाइट की चिंता करो, हम लोग नाव का ध्यान रखेंगे। हारेगा बच्चे, देख लेना जा। चल दम है तो लड़के दिखा। चल कमाओ, चल लड़ो, जीत के आना, चटनी बना देना इसकी। क्या बात है, बिल्कुल सही सर। मेरे लगे ये एरोल फिन के लिए है, टेस्मेनिया डेविल जिसने माउंटेन को गिरा दिया था। इसे तुम्हें बुझाओ।
Come on! Another say, Moro, Moro! Yeah! दिखा दो अपना दम। Come on! ये चल बच्चे करना, क्या कर रहा है? मारो उसे! क्या पंच मारा है, बहुत बढ़िया! इसकी आंखें निकाल लो! मार मार से मार! उसका आंखें मार मुंह पे! ये हो गया! दिखा दे बच्चे अपना नाम। तू हारेगा बच्चे देख। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? उसकी आंखें निकाल लो, तुम उसे काट डालो। मैं तो लड़के दिखा, तुम जीतना चाहते हो फिर? चल चल कमॉन कमॉन, उसके दिखा दे अपना दांत। ये देखो दिखा दे। चल 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 इधर दो। ए ए ए ए बिल्कुल सही से खत्म कर दो उसे। हेरोल फिन के लिए है। चलो इसमें ये डेविस माउंटेन को गिरा दिया था। ओ बढ़िया। ओ ओ ओ क्या मारा है बॉस, क्या बात है। बहुत बढ़िया फिन, सही। और मारो और मारो उसे, सही मार। ये कम ऑन, इसका थोपड़ा काटे। ओ नो, जोर से मारो उसके थोपड़े की चटनी कर डालो। क्या हाय, इसका भविष्य खतरे में दिख रहा है मेरे को। क्या बात है फिन, क्या कर रहे हो? मार मार उसे, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। मार दे, बहुत बढ़िया फिन, कम ऑन, यस, चलो उठो, मार उसे, उठो फिन, ना क्या कर रहा है? उठ जाओ, जितना ही है, खड़े हो जाओ, उठा दो अपना दम, इसे जानवर की मौत मारो फिन, मारना, क्या कर रहा है? उठ जाओ, ये, मारो मारो उसे, क्या बात है? मार मुझे, मारा, बढ़िया, अरे बाप रे, मार मार से मार, उसके मुंह पे मार, मुंह पे, या हुई ना बात, ओ बहुत बढ़िया, दिखा दे, नहीं 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 नहीं, नहीं, मारो, खत्म कर दो उसे, मारो उसे, हड्डी बस ले कर दे, छोड़ो उसे, छोड़ो, छोड़ो, मार मुझे, उठ जा, मार। ये क्या कर रहा है ये? उसके मुंह पे मार, उसको दिखा दे। शांत हो जाओ, मजा आ रहा है। हे, सुनो मुझे, हर समय तुमने अपना बायां छोड़ दिया, तुम्हें बाईं तरफ ध्यान देना होगा, उसे राइट में ड्रॉप करना होगा। जबरदस्त, मारो मारो, मारा, ये बहुत बढ़िया, ये कम ऑन, तुमने मुझे सोना देने का वादा किया था। ये ओ क्या मारा है बॉस, ओ ओ ओ ओ ओ बहुत बढ़िया, ओ ये मारो से, ये ऐसा ही मार, क्या बात है, ओ कम ऑन, उसका थोपड़ा बिगाड़ दे, ओ उसके थोपड़े की चटनी कर डाल, ओ पड़े रहते जहां से तुम हो। भाई इसका भविष्य खतरे में दिख रहा है मेरे को। मार मार चलो, खड़े हो जाओ, मार दे, उठ जाओ, सिक्स, मार उसे, अरे उठना, क्या कर रहा है? ये हुई ना बात, टेन, फ्लाइन, ऐसे कैसे मार खा रहे हो तुम? चलो जाओ मारो उसे।
मारो उसे, मारो उसे। ये बहुत बढ़िया, मारो, बहुत बढ़िया, जबरदस्त प्लान। Six. Come on, come on. Ud jao. Eight. Nine. Ten. निकलो यहाँ से, भागो, निकलो यहाँ से, चलो, चलो, जल्दी करो, अरे भागो, भागो, निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से, क्या हो रहा है, जल्दी, जल्दी करो, अरे निकल भाई, क्या कर रहा है, चल, 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 जल्दी चल, भागो यहाँ से, अरे इस तरफ, ए कहाँ जा रहे हो, इतनी जल्दी नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। तुम आजकल बहुत शरारती होती जा रही हो, क्या तुम अभी इन लोगों का साथ दोगी? वो अब तुम्हारी नहीं है। अच्छा, आज का दिन सच में बढ़िया था। अरे क्या कर रहे हो, इतनी जल्दी क्यों है, रुक तो जाओ, थोड़ा वक्त तो दो। तो तुम क्या सोच रहे थे? सबको गोली मार दो। अब क्या करें जीनियस, हमें भागना चाहिए। ठीक है, तुम किसी काम के नहीं हो बेवकूफ। डैड, डैड, ओ हाँ? ये क्या, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बस उनका साथ दे रहा हूँ। हे बेटा, बेटा मेरी मदद करो। अपनी मदद खुद करो बुढ़े कहीं के। ये वाला मेरी डैड की तरफ से। ऐसा मत करना। जानवर कहीं का। बूट। मजे कर। ये सब क्या, ये सब क्या है? रोज इन लड़कियों को मैंने तुम्हारे लिए तैयार करके रखा था, पर जैसा कि मैंने कहा कि मैंने पिछली बार तुम पे भरोसा किया था। हमें लड़कियों से बिल्कुल डर नहीं लगता। उसके बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे साथ काम करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा। चूहे अपने बिल में वापस जरूर आते हैं। वेल डन वैसिली, पैसे ले लो। ये कोई तरीका नहीं है एक औरत से बात करने का। आराम से। मुझे जिंदगी जीने के तरीके आते हैं, परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैं नहीं आने वाला। अखन उनको देख लेगी। What the ablus? As for laws, इन्हें ओदीना दास, नवनुस, ओदियाब्लुस, ओदियोस, ओदियाब्लुस and सकुमालाई। वो इतिया। क्या बोला उसने? सैम्बल। वो प्रेयर कर रहा है। पिन हफ्ते। ये ठीक नहीं है। सपा करा कलो क्लियर। वो कहाँ है? हमें नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। आराम से बात कर सकते हो ना? आराम से बात छोड़ दो। नो उठाना तो मेरी की तो सोलन है, मेरी के देन तो सोलन है, अला पान दान एर की दे
इसका क्या मतलब है? तुमको नहीं जीने देगा। हे भगवान। नहीं 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 नहीं। रुक जाओ। यवती, मिस्टर मतास। तुम्हारी क्या? सुनो लड़को, मैं उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती, तो मेरी मर्चेंडाइज कहाँ है? तुम्हारी क्या? ओपियम। चाय के डिब्बे के अंदर। बेवकूफ, तुम पर तरस आ रहा है, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है। वो मैं था, मैंने उसको पानी में फेंक दिया। वैसे तुम लोगों को जीने का कोई हक नहीं है, वैसली। इससे तुम्हें बहुत दर्द होने वाला है, तैयार हो जाओ। इस बोट को मुझसे कोई नहीं ले सकता, समझी क्या? नीचे। वो कैसे दिखती है? उसने बेहतर दिन देखे हैं कभी? हम अभी भी न्यू गिनी जा रहे हैं, हम लोग साइक्लोन सीजन से गुजर रहे हैं। वापस मोड़ो। लेकिन क्यों? हमने आधे से ज्यादा कानून तोड़ दिए हैं, यह नहीं हो सकता। गोली पानी के बैरल में लग गई थी, हमारे पास पानी नहीं है। तो क्या हुआ? हम लोग ठीक हो जाएंगे। तुम मेरी बात सुनो, ये हमारा राशन है। मैं ठीक हूँ, मेरे पास सब कुछ है। तुम्हें मजाक नहीं सूझेगा जब तुम्हारी बॉडी डाउन हो जाएगी रेक्स। किसी की भी बॉडी डाउन होने वाली नहीं है। साफ पानी ना मिलने पर इंसान के शरीर के साथ क्या होता है? चुप हो जाओ। तुम्हारे सारे ऑर्गन फेल हो जाएंगे, तुम्हारा खून गाढ़ा हो जाएगा, तुम पागल हो जाओगे। चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ डरपोक। तुम्हारा खून गाढ़ा होने लगा, तुम पागल हो जाओगे। तुम चुप हो जाओ बस। आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? मुझे सिडनी में रहना नहीं चाहिए। हाँ, जहाँ रेजर वॉइस तुम्हारे पीछे है वहाँ चले जाओ। अच्छा होगा कि कम से कम इन चाइनीज से बेहतर होगा, हमने तुम पर भरोसा किया था। इधर तुम्हारी तो छोड़ूंगा नहीं आज तुम्हें। मैं छोड़ो, सबको पता है कि मैं इस सफर पर क्यों आया था। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं यहाँ मरने के लिए आया हूँ। मैंने सोचा था इसे अपना आखिरी सफर बनाऊंगा, परिवार ने मुझे नहीं छोड़ा, इतना कुछ होने के बाद भी वो हर वक्त मेरे साथ खड़े रहे, कैसा भी रहा हो। इस समंदर ने उनको मुझसे छीन लिया, अकुना जहर की तरह। तुम डरपोक होने की बात करते हो ब्रह्म, तुम्हें समझ में भी आता है कुछ? मेरे पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उससे लड़ सकूं। लगा था मेरे पास कुछ नहीं बचा इस बोट के अलावा, फिर तुम लोग मिल गए। तुमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, वो भी मेरे लिए। तुम लोगों का साथ किसी भी सोने से बढ़कर है। यह आदमी तुम्हारा कैप्टन है,
और हम इसके क्रू। कहानी थी या सच, लेकिन इसने कोशिश की। चाहो तो समंदर में कूद के जान दे दो। ऑर्डर कैप्टन। मैं कैप्टन नहीं हूं चार्ली, पर तुम मेरा यकीन कर सकते हो, मैं तुमसे उस पर कुछ बेहतर का वादा कर सकता हूं। मैं तुमको साथ लेकर नहीं आता अगर मुझे पता होता कि तुम लोग हार मान जाओगे। तो चलो इसको खत्म करते हैं। ठीक है, लेकिन एक नए कैप्टन के साथ। मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो फिर करते हैं, जब तक खत्म ना हो। जब तक खत्म ना हो। हम पास आ रहे हैं। देखो, कैप्टन को कुछ भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल, कैप्टन कुक के पास मैं नहीं हूं। ये मेरे दोस्त का है, उसने मेरी जान बचाई। मैं चाहता हूं तुम इसे रखो। तुमने हमेशा मेरा ध्यान रखा है। जब हम लोग जवान थे, याद है? जब डैड ने सब कुछ खो दिया था, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। तब मुझे तुम्हारा लेटर मिला। मुझे खुद पर इतना यकीन कभी नहीं हुआ था। आई लव यू फिन। गुड लक। वो क्या कहते हैं, रात को लाल आसमान। सेलोज अच्छे से सोनो। जमीन, हमें जमीन मिल गई दोस्तों, हमें जमीन मिल गई, हमें जमीन मिल गई, जमीन, जमीन, हमें जमीन मिल गई, जमीन, यस, थैंक यू, जमीन मिल गई, जमीन, हम पहुंच गए। जमीन मिल गई। चट्टान से टकरा गए। हे भगवान। लंगर डालो तुरंत। फ्लिन, देखो छेद कहां है, मैं इंजन को देखता हूं। गैस टैंक था। नाव को खाली करो, सब उतर जाओ। चलो जल्दी करो, आ जाओ। चलो चलो। चलो जल्दी।
रुको, रुको चार्ली, 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 चार्ली। नहीं 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 नहीं, रेक्स, डुक और चार्ली कहाँ है? वो लोग कहाँ है? कहाँ है वो? वो गए। नहीं 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 नहीं, हाँ।
तुम कौन हो? मैं तुम्हारी नर्स हूं। रेक्स कहाँ है? रेक्स, रेक्स वो ठीक है। वो नींद में कुछ बड़बड़ कर रहा था। तुम्हें उसको सुनना चाहिए था। तुम दोनों बहुत लकी हो जो मिशनरी को तुम मिल गए। ये चमत्कार है। मैं बाद में आती हूँ। बहुत लोगों की हड्डियां हैं इस समुद्र के नीचे, पर डुक और चार्ली से बेहतर कोई नहीं है। वो दोनों बहुत अच्छे थे जो मुझे समय से पहले छोड़कर चले गए। मिस्टर एरल फ्लिन, स्टॉप। जल्दी से हॉलीवुड पिक्चर में काम करने के लिए यहाँ आ जाओ। स्टॉप। सारे खर्चे दिए जाएंगे। स्टॉप। तुमको स्टार बनाऊंगा। स्टॉप। जोल शॉट्स। मिस्टर फ्लिन, आपसे कोई मिलने आया है। मेरे पास वक्त नहीं है। रेक्स, तुझे देखकर अच्छा लगा। कितना फिट हो गया है तू। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उतना चेकिंग करता नहीं हूँ, लेकिन वो पैसे बराबर देते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेन में ज्यादा पैसे मिलते हैं। हाँ सुना तो हूँ। तुम्हें रियल एडवेंचर बहुत अच्छा लगता है। ब्रिस्बेन पेपर में छपी थी। बढ़िया कहानी है। हम इससे एक फिल्म तो बना ही सकते हैं ना। उसे सही से पकड़ो। उस लाइट को सीधा करो उस तरफ। इसे उठाओ। अरे पीछे कटर लगाओ। कटर। तुम सब वहां से आ जाओ। आगे से आ जाओ। हैंडल करो। हाँ। वो शेड नीचे करो। उसका एंगल सेट करो। घुमाओ उसे, घुमाओ घुमाओ घुमाओ। सीधा करो, सीधा करो। फ्लिन। यस सर। जहाज डूब रहा है और समुद्र उफान पे है और तुम्हारा क्रू मर चुका है। क्या तुम कर सकते हो? हाँ। ओके सब लोग शांत हो जाओ। ओके सब कुछ ठीक है। रोल साउंड, रोल कैमरा। Action!